हाय फ्रेंड्स, नमस्ते गेमचर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे आज के वीडियो में मैं आपसे ये वाला लुक शेयर करने वाली हूँ और ये मैंने क्रिएट किया है मेकअप लुक फॉर बिगिनर्स। तो ये वाले वीडियो में मैं आपसे बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करने वाली हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये वाला वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि ये वाले वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि ये वाला लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। सबसे पहले मैं वाओ स्किन साइंस का मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई करूंगी। आप आपके स्किन टाइप के हिसाब से आपका फेवरेट मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मॉइस्चराइजर हमें कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने से हमारी स्किन हेल्दी रहती है, हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो ये वाला स्टेप आपको कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं न्यूट्रीजिना का सनस्क्रीन यूज करूंगी। और गाइस, सनस्क्रीन भी कभी स्किप मत कीजिए। विंटर, समर, मॉनसून सारे सीजन के लिए सनस्क्रीन बहुत ही जरूरी होता है। सनस्क्रीन हमें सन से प्रोटेक्शन देता है और हमारी स्किन को डल होने से बचाता है। तो सनस्क्रीन भी आप कभी भी स्किप मत कीजिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्राइमर। तो यहाँ पे मैं कलबा का प्राइमर यूज करूंगी। प्राइमर भी हमें कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। प्राइमर आप में से बहुत लोग स्किप करते हैं, लेकिन प्राइमर अप्लाई करने से भी हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है, हमारे जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है वो मिनिमाइज हो जाती है और हमारा मेकअप हमारे फेस पे बहुत ही स्मूथली अप्लाई होता है। उसके बाद मैं नायका स्किन जीनियस फाउंडेशन यूज करूंगी। आप आपके पसंद का कोई भी फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। फाउंडेशन को आप फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं, ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं और स्पॉन्ज की हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर आप मेकअप में बिगिनर्स हैं तो आप स्पॉन्ज की हेल्प से ही फाउंडेशन अप्लाई कीजिए, क्योंकि स्पॉन्ज की हेल्प से फाउंडेशन अप्लाई करना बहुत ही इजी होता है और स्पॉन्ज की हेल्प से हमारे फाउंडेशन का कवरेज भी बहुत ही अच्छा आता है। और हाँ, स्पॉन्ज को ऑलवेज वेट करके ही यूज कीजिए। उसके बाद मैं लॉरियल ट्रू मैच कंसीलर अप्लाई करूंगी। और गाइस, कंसीलर अप्लाई करते टाइम पहले आप एक ही आंख पे कंसीलर को अप्लाई कर लीजिए और साथ में आईलिड पे भी कर लीजिए, और उसके तुरंत ही आप स्पॉन्ज की हेल्प से उसे ब्लेंड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कंसीलर ऐसे होते हैं कि वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो उसे फिर स्पॉन्ज की हेल्प से ब्लेंड करना मुश्किल होता है। तो ये वाली ट्रिक आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब कंसीलर को मैं दूसरी आईज पे भी अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं मेबेलिन फिट मी कॉम्पैक्ट यूज़ करूंगी। और कॉम्पैक्ट को अप्लाई करते टाइम आप स्पॉन्ज को इस तरह से प्रेस कर लीजिए, जहां पे आपने कंसीलर अप्लाई किया है वहां पे अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि कंसीलर को भी पहले पाउडर की हेल्प से सेट करना ज़रूरी है। आपने बहुत बार ऐसा नोटिस किया होगा कि कंसीलर अप्लाई करने के बाद आपकी आईज पे क्रीज लाइन हो जाती है, तो पाउडर अप्लाई करने से क्रीज लाइन नहीं होगी और हमारा कंसीलर हमारी आईलिड पे और अंडर आई एरिया में अच्छी तरह से सेट भी हो जाएगा। उसके बाद मैं पूरे फेस पे भी पाउडर अप्लाई कर लूंगी। तो अब मैं यूज करने वाली हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की चॉकलेट वाइज पैलेट। और ये पैलेट की हेल्प से आप आईब्रो को भी सेट कर सकते हैं, आप कॉन्टूर भी कर सकते हैं, हाइलाइटर भी कर सकते हैं और ब्लश भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी मल्टीटास्किंग पैलेट है। तो आपको ये सारी चीज़ें अलग अलग नहीं खरीदनी है, तो आप इस तरह की कोई भी आई शेडो पैलेट भी खरीद सकते हैं जिसमें सारे शेड अवेलेबल हो। तो सबसे पहले मैं आईब्रो को सेट कर लूँगी, तो उसके लिए मैं ये डार्क ब्राउन शेड यूज़ करूँगी और यहाँ पे मैं बी एस मॉल का आईब्रो ब्रश यूज़ कर लूँगी। गाइज, आईब्रो सेट करते टाइम आप इतना ध्यान रखिए कि आपके आईब्रो का जो नेचुरल शेप है उसके ऊपर ही शेड को अप्लाई कीजिए। अब हम आई शेडो अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए मैं ये ब्राउन शेड मेरे क्रीज लाइन पे अप्लाई करूंगी और एक्स्ट्रा आई शेडो को आप इस तरह से टैप ऑफ कर लीजिए ताकि वो हमारे फेस पे ना गिरे। जब हम आईज को ओपन करते हैं तब एक क्रीज लाइन बनती है, उस पर हम ये शेड अप्लाई करेंगे। क्रीज लाइन पे अप्लाई करने से आपके जो आई शेडो का लुक होगा वो बहुत ही अच्छा डिफाइन लगेगा। उसके बाद ये वाला जो शेड है उसे मैं आउटर वी पे अप्लाई करूंगी और जिस ब्रश की हेल्प से मैंने आईब्रो सेट की थी उसी ब्रश की हेल्प से मैं अप्लाई करूंगी। और उसके बाद मैं क्लीन ब्रश की हेल्प से ये दोनों शेड को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूंगी। उसके बाद मैं ये ऑरेंज शेड अप्लाई करूंगी और इसे मैं फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई कर लूंगी। आप चाहे तो इसे ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिंगर की हेल्प से अप्लाई करना मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है।
उसके बाद ये गोल्डन शिमरी शेड है उसे भी मैं हाफ आईलिड पे अप्लाई करूंगी जहाँ पे मैंने ऑरेंज शेड अप्लाई किया था। आई शेडो पैलेट में जो ग्लिटरी शेड होते हैं वो फिंगर की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड हो पाते हैं। अगर आपको ब्रश की हेल्प से करना है तो ब्रश को थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद आप आई शेडो को अप्लाई कीजिए। उसके बाद हाइलाइटिंग के लिए मैं ये वाला शेड यूज करूंगी और इसे मैं इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर लूंगी। ये वाला हाइलाइटर शेड मैं ब्रो बोन पे अप्लाई कर लूंगी। ब्रो बोन पे अप्लाई करने से हमारे आई शेडो का लुक बहुत ही अच्छी तरह से क्लियरली दिखेगा। आईलाइनर के लिए मैं नायका आई एम बोल्ड काजल यूज करूंगी और इसे मैं सेम आईब्रो ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूंगी। अगर आपके पास आईलाइनर ना हो तो आप इस तरह से भी काजल को ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं और आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहो तो भी कर सकते हैं। और ये वाली जो काजल है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। उसके बाद इसे मैं वाटर लाइन पे भी अप्लाई कर लूंगी। नेक्स्ट ये जो ब्राउन शेड है उसे मैं कॉन्ट्रोल के लिए यूज करूंगी और यहाँ पे मैं रियल टेक्निक का ब्लश ब्रश यूज करूंगी। कॉन्ट्रोल करने से आपका जो फेस होगा वो बहुत ज्यादा स्लिम लगेगा और अगर आपको डबल चिन की प्रॉब्लम है तो आप इसे जॉ लाइन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रोल अप्लाई करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे और उसके बाद मैं कॉन्ट्रोल को नोज पे भी अप्लाई करूंगी। नोज पे अप्लाई करने से आपका नोज भी स्लिम लगेगा। उसके बाद ये वाला जो शेड है वो मैं हाइलाइटर के लिए यूज करूंगी और इसे मैं नोज पे और चीक बोन पे अप्लाई कर लूंगी। हाइलाइटर अप्लाई करने से आपका मेकअप फ्रेश लगेगा और आपका फेस बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग भी लगेगा। ब्लश के लिए मैं ये वाला ऑरेंज शेड यूज करूंगी। तो हमारा बहुत ही ज़रूरी स्टेप है मस्कारा, तो मैं ये भूल गई थी, मस्कारा अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको फेक आईलैश अप्लाई करना नहीं अच्छा लगता तो आप ये वाले मस्कारा ज़रूर ट्राई कीजिए। मस्कारा अप्लाई करने से आपकी आईज बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, तो मेकअप करते टाइम मस्कारा कभी भी स्किप मत कीजिए। तो ये वाले जो मस्कारा है वो हमारे लैशेस को बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देता है, हमें ऐसा ही फील होता है कि जैसे हमने फेक लैशेस लगाए हैं। लिप्स पे मैं मिस क्लेयर की लिपस्टिक यूज करूंगी। लिपस्टिक अप्लाई करते टाइम सबसे पहले आप बॉर्डर पे अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद पूरी लिप्स को फिल कर लीजिए। ऐसा करने से आपके लिप्स का शेप बहुत ही अच्छा लगेगा और आपकी लिपस्टिक आपके लिप्स पे इवन लगेगी। तो हमारा लास्ट स्टेप है मेकअप सेटिंग स्प्रे। तो ये है वेट एंड वाइल्ड का सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे अप्लाई करते टाइम आपको इतना डिस्टेंस रखना है और उसके बाद आपको स्प्रे करना है और आपको इस तरह से पूरे फेस पे लगाना है, तो उससे आपका मेकअप अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और लास्ट में मैं मेरी बिंदी और इयररिंग्स को पहन लूंगी। तो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक। ब्रायन लिटल तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरे दूसरे वीडियोस देखने हैं तो आप ये दो वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं, आप वीडियो पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।